फिलोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी, इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फिलोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर बाके। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। कांग्रेस ने अपनी दूसरी सूची में रामपुर बाघेलान से रामशंकर प्यासी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। विशाल खबर ने भी इस बात की संभावना जताई थी कि कांग्रेस रामशंकर प्यासी को दोबारा अपना प्रत्याशी घोषित कर सकती है। हालांकि रामशंकर के प्रत्याशी घोषित होने के बाद ही कांग्रेस के ऐसे लोग भी रामशंकर का विरोध करने का दावा करने लगे हैं जो पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस में रहकर रामशंकर का विरोध किया और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया। रामशंकर बेशक 2018 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विक्की सिंह से चुनाव हार गए थे, लेकिन चुनाव हारने के बाद उन्होंने मैदान नहीं छोड़ा। रामपुर बाघेलान का इतिहास अभी तक यही बताता रहा है कि जो भी व्यक्ति कांग्रेस की टिकट से चुनाव लड़ा, हारने के बाद उसने रामपुर का मैदान छोड़ दिया। इसलिए कोई भी कांग्रेस का प्रत्याशी दोबारा कभी मुकाबले में भी नहीं रहा। रामशंकर एक ऐसे पहले प्रत्याशी हैं जिन्होंने चुनाव हारने के बाद 5 साल लगातार आम जनता के दुख दर्द में शामिल होना उचित समझा, आम जनता से मिलते जुलते रहे। निश्चित तौर पर यदि सर्वे की बात की जाए तो यहाँ रामशंकर ही सर्वे में आगे रहे होंगे। कहने के लिए कोई कुछ भी कहे, लेकिन जमीनी तौर पर 5 साल रामशंकर ने कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में संघर्ष किया। बाकी तो कोई किसी नेता की चाटुकारता करके टिकट पाने की कोशिश की, तो किसी ने अपना जातिगत आंकड़ा पेश करके टिकट हासिल करने का प्रयास किया, लेकिन ऐसे लोग कांग्रेस की टिकट पाने में नाकामयाब रहे। कांग्रेस के जिन उम्मीदवारों को टिकट नहीं मिली, उम्मीद की जा रही है कि या तो ये लोग इस्तीफा दे देंगे और यदि दल में भी रहे तो कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपने का ही काम करेंगे। रामशंकर पिछली बार चुनाव इसलिए भी हार गए थे कि उन्हें ठीक से मतदान केंद्रों तक का अंदाजा नहीं था, लेकिन 2018 के बाद रामशंकर लगातार रामपुर क्षेत्र में सक्रिय रहे और एक एक कार्यकर्ताओं से अब उनकी जमीनी पकड़ बन गई है। इसलिए 2018 की तुलना में 2023 का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बसपा के बीच कांटे का होगा। चुनावी मैदान में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी अपनी प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और यदि सामान्य वर्ग का उन्हें समर्थन मिलने पाया तो चुनाव परिणाम कुछ भी हो सकता है। ऐसे में 2018 की तुलना में रामपुर बाघेलान का चुनाव 2023 में ज़्यादा रोचक और कांटे का होगा। आप हमारी खबरें देखने के लिए www.vishalkhabar.com, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook पर भी लॉगिन कर सकते हैं। आप यदि विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा आग्रह है विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।